नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ में नेहा। अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की मेडिकल जांच को लेकर सदर अस्पताल की मेडिकल टीम गुरुवार को ईडी दफ्तर पहुंची। मेडिकल जांच की रिपोर्ट के बाद ही अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। लैंड स्कैम से जुड़े मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सेना की जमीन घोटाले मामले में ईडी ने बुधवार को कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष पर कार्रवाई करते हुए कोलकाता से गिरफ्तार किया है। इससे पहले अमित अग्रवाल को ईडी ने डिटेन किया। पूछताछ के दौरान अमित अग्रवाल से कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। इस मामले में ईडी ने पूर्व में रांची डीसी छवि रंजन समेत 8 लोगों को जेल भेज दिया है। सेना के कब्जे वाले जमीन के दस्तावेज में फर्जीवाड़ा कर बेचने वाले फर्जी रैयत प्रदीप बागची ने, जिस जगत बंधु टी स्टेट को उक्त जमीन की रजिस्ट्री की थी, उस कंपनी में अमित अग्रवाल भी दिलीप घोष के सहयोगी हैं। कंपनी के दिलीप घोष को ईडी ने पहले समन किया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे थे। बताते चले कि बरियातो स्थित सेना की जमीन से जुड़े मामले में अमित अग्रवाल के खिलाफ ईडी को कई अहम साक्ष्य मिले हैं। 4 एकड़ 83 डिसिमल से जुड़ा ये मामला काफी चर्चा में है। अमित अग्रवाल के रिश्तेदार और जगत बंधु टी स्टेट के निदेशक के नाम पर जमीन खरीदी गई थी। साथ ही यह भी जानकारी मिली है कि जमीन की खरीदारी को लेकर फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल हुआ था। ईडी ने दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच कराई थी। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।